तुझे भी हेड्स चाहिए और तेरे भाई को भी हेड्स चाहिए। अब किसका हेड गिरेगा किसे पता? हेड्स गिरेगा या तो टेल्स गिरेगा। टेल्स नहीं गिरा तो हेड्स जरूर गिरेगा। अरे हेड्स गिरा। चलिए मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। चलिए सुनो रे, ये कह रहा है मैं पैर पड़ता हूँ। हर एक धंधे में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। कई प्रॉब्लम्स हैं, है ना? और इनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तू है। लड़के लोग बोलते हैं, भाई इसे प्रॉब्लम है, इसके भाई को प्रॉब्लम है, आपकी जान जा सकती है। और मुझे मारने के लिए डेविड आ रहा है, ये सुनते ही मेरे दिल और दिमाग में खून खौल उठता है। पिछले 5 साल से तू और तेरा भाई मुझे मारने के लिए ट्राई करते 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 थक चुके हो। अब तक तेरे और मेरे बीच में जो प्रॉब्लम थी वो थी प्रॉपर्टी। ये सब बिजनेस प्रॉब्लम है, पर जब मैं तेरे भाई को मारूंगा तो ये पर्सनल प्रॉब्लम बन जाएगी। और फिर तू मुझे मारने आएगा? क्यों आएगा ना? चलिए नहीं, चलिए मेरे भाई को कुछ मत करना प्लीज। वरना तू क्या कर लेगा? हाँ, अपने टट्टू के साथ मिलके मुझे मारेगा? ए, तेरे और तेरे भाई में 1.5 किलोमीटर का फर्क है और तेरे भाई और चाकू के बीच में 1.5 इंच का फर्क है। जानता, ये लोग आधे एकड़ जमीन के लिए एक दूसरे को काट देते हैं, पर ये तो 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इंसानियत थोड़ी दिखाएंगे, इंसान को ही काटेंगे ना। तेरे भाई को मारने के बाद तेरा खून खौलेगा और फिर तू मुझे मारने आएगा। अच्छा ऑफर है, यूज कर ले, क्योंकि दोस्त की बजाय दुश्मन अच्छा होता है और तू मेरा बेस्ट दुश्मन है रे। तू भी खेलता रहे, मैं भी खेलता हूँ। खत्म कर दे उसे। भाई जल्दी आओ, भाई, भाई, एक आदमी मेरी तरफ बढ़ रहा है, भाई, मुझे मार डालेगा, भाई, भाई, भाई। जाकर उससे बोल दे लड़की तुझे पसंद नहीं करती है, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, उसे समझा दे, जा। भाई आप जैसा सोच रहे हो वैसा वो लड़का नहीं है। मैं परेशान करने नहीं आया और ना ही परेशान होने के मूड में हूँ। उसे बाहर आने के लिए बोल, उसकी बस शक्ल देखनी है मुझे। भाई साहब वो मेरी बात नहीं मान रहा, बोल रहा है शिवा को देखकर ही जाएगा। यहाँ कोई फर्स्ट डे फर्स्ट शो चल रहा है जो देखने की जिद कर रही है? अगर इसने शिवा को नहीं देखा तो हनुमान की तरह लंका जला देगा।
चेक। ये लो बेटी, थैंक यू आंटी, लो। देखो कल बाहर इतने पंगे चल रहे हैं और अंदर ये चेस खेल रहा है। चेकमेट, मैं जीत गई भैया, मैं जीत गई। नहीं नहीं, मेरा भाई जीत गया। पापा, आपने बात की? बात की उससे, पर वो नहीं जा रहा है, तुझे देखने के बाद ही जाएगा। ठीक है, मैं मिल लेता हूँ पापा। भैया, उसे देखना जरूरी नहीं है, मैंने कहा ना पसंद नहीं है वो। चुप कर तू, इस प्रॉब्लम का ये कोई समाधान थोड़ी ना हुआ। बेटा, तू बाहर जाके उससे बात कर। भैया रुको, मैं जाके बात करके आता हूँ। जब भी गाँव में आता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करता है, भोला है इसका बाप। सुना है खूनी है ये डेविड, उसके मंगेतर को उठा लाया और शादी रोक दी उसकी। अरे अगर इसके घर में ऐसा कुछ होता या शादी रुकती तो इसे पता चलता। बेटा। हाँ पापा। संभल कर बात करना। हाँ ठीक है। आ गया, इससे जुबान लड़ाएंगे तो अपना ही नुकसान होगा। कैसे हो? इससे अच्छा चुप ही रह जाते हैं। मामा, काव्या की शादी है सुना था, हो रही है क्या? अच्छा वो किसी से प्यार करती है, ये सच है? हाँ? मामा, जिंदगी एक बोट की तरह है, उसे जो चला सकता है बोट उसी के पास रहनी चाहिए, समझे? मुझे चिढ़ाना छोड़ दे, तुझसे मिलने के लिए तेरा जीजा आया है, उससे मिल ले, जा। ओके, आप शांत हो जाइए। ओके। ए शिवा, तूने मुझसे जैसे बात की उससे मत करना। उधर ही रुक, जो कहना है वहीं से बोल, सुन सकता हूँ, सुन सकता हूँ। ओ मामा, पंच मैं एकदम सॉफ्टली बात करूंगा। तुझे बस देखना चाहता था, जा। डेविड सर, मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। गांव में आपके बारे में पूछताछ की, सोचा बात करके कुछ फायदा नहीं है, इसलिए लड़की को उठा लिया। कुछ गलती हो गई हो तो सॉरी। मैं कौन हूँ तुझे चाहूँ तो अभी इसी वक्त बता सकता हूँ, लेकिन वक्त सही नहीं है, पर एक दिन तुझे मेरे बारे में अंदाजा हो जाएगा। फिलहाल तो जा। हीरो सर। कौन? आप हो, अपनी मंगेतर का बलिदान दे रहे हो तो आप हीरो ही हो गए ना। उसे तो मार देना चाहिए था, जाने क्यों दिया? जंगल में शेर को देखकर सांसें थम गई देवी, और घर में आके बिल्ली को मारने की बात करता है। बिल्ली है ये, इसे मारना कोई बड़ी बात नहीं, समय आने पर देख लेंगे। शिवा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? माला दीदी, माला दीदी, माला दीदी, मत जाओ दीदी। माला दीदी, मैंने शेलवा से बात की है दीदी, उससे ना मैंने सॉरी बोल दिया दीदी, सॉरी बोल दिया। उस दिन वो बात करने की हालत में नहीं था। हा? मैं लेटर देने गया था, लेकिन वो बात करने की हालत में नहीं था। पकड़िए ना उसे। छोटे, ये अब तक सुधरा नहीं, हॉस्टल जाकर क्या होगा इसका? छोटे, अरे छोटे, वहाँ कुछ भी नहीं है, तू आ, चल आ जा, माला दीदी आई थी, कुछ भी नहीं। मैंने उनसे बोला कि मैं गया था। अच्छा, आ जा, चल पूरा पी जा, रख दे यहाँ, चलो अब सो जा। चल सो जा, चल तू आराम से। पता नहीं कितने साल माला को सोच के बड़बड़ाता रहेगा। तुम लोग भी सो जाओ,
सुबह उठ के पहले मंदिर जाएंगे। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव मूकं करोति वाचालं पंगु लंग्यते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं ओं भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मुक्षीयम्। अच्छा शिवा। हाँ पापा। ये श्रीनिवास तेरे साथ कैसा बिहेव करता है? कौन सा श्रीनिवास पापा? अरे वो लॉयर है ना जिसके पास तुम जूनियर का काम करते हो। आपके फ्रेंड है ना, अच्छा ही बिहेव करते हैं। आज वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल लॉयर है और एक समय में वो खुद एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। वो जिस लड़की से प्यार करता था हम सब दोस्तों ने मिलकर उससे उसकी शादी करा दी, उसके बाद से वो फैमिली वाला आदमी बन गया है। पर ये बता, तू सबकी शादी करवाता फिरता है, खुद क्यों नहीं किसी लड़की से प्यार कर लेता? कैसे शर्मा रहा है मेरा बच्चा। प्यार तो तू कर ही रहा है, पर मुंबई की किसी सुंदर किसी सेठ की लड़की से ही शादी करना? सेठ की लड़की? हाँ, सेठ की लड़की अपने को जमेगी नहीं पापा। क्यों? अपने गांव की लड़कियां हैं ना एकदम लड्डू जैसी। क्या लड्डू लड्डू, हमारे जमाने की सभी लड्डू बर्फी आज के जमाने में बूंदी हो गई है। क्या कहा? दरअसल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तू मुंबई से लड़की लेकर आएगा ना तो तेरी माँ उस लड़की को झेल सकती है, पर गांव की लड़कियों को न तौर तरीका आता है ना बातचीत आती है। आज की डेट में गांव की औरतें जो गालियाँ देती है ना वो तुम्हारी माँ की क्रिएटिविटी है। मिस्टर रत्नम, आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? नहीं मिस्टर शिवा, मेरे बोलने का मतलब है कि अपने बीच में जो आर्गुमेंट और जजमेंट हो रही है वो अपने लेवल पे हो तो हमारी फैमिली हमेशा खुश रहेगी। समझ गए योर ऑनर? यस योर ऑनर। वैसे आप अच्छा मना लेते हो योर ऑनर। मेरी तो आदत हो गई ऐसे हंसा हंसा के मना लेने की, लेकिन तू इसे छोड़, तू मत मना, तेरी उम्र बीतती जा रही है, मेरी बात समझ। ठीक है पापा। तेरी बहन की शादी होती तेरी भी शादी हो जानी चाहिए। हाँ ठीक है पापा। अच्छा मेरी बात सुन शिवा। हाँ पापा। अंदर हम दोनों ऐसे ही फ्रेंड्स की तरह रहेंगे, दूसरों के सामने तुम मेरी मत सुना, बिल्कुल कड़क बन के रहना नहीं तो नजर लग जाएगी। घर के अंदर हम सब अपना डांस करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं स्वामीनाथन को ले जाता हूँ और पत्रिका का ऑर्डर दे देता हूँ। पापा स्वामीनाथन देख रहा है? हमें देख रहा है। टाइम पर घर पहुँचना, समझ गया ना? गाँव भर में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हारे दांत निकाल दूंगा, समझ गया ना? ठीक है, चल निकल अबे। हाँ जा रहा हूँ। नाटक क्या कर रहा है, निकल यहाँ से। क्यों भाई रत्नम, बच्चे से ऐसे बात करते हैं क्या? थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, जब देखो तब डांटते रहते हो उसे। कभी मुझे देखा है? मैं और मेरा बेटा हमेशा हंसते खेलते रहते हैं। हाँ पता है तुम्हारी फ्रेंडशिप के बारे में, किसी की मैयत पे भी खा पी के बस हंगामा करना, यही है तुम्हारी फ्रेंडशिप। मुझे कोई फ्रेंड नहीं चाहिए, वो बेटा बना रहे वही बहुत है। ए, निकल यहाँ से। मुझे चाय पिला। अरे बोला ना निकल। अरे ऐसे क्यों कुत्ता दे रहा है? शक्ल मत दिखा रहे यहाँ पे। चल, मैंने कहा ना निकल यहाँ से। पहले चाय तो पिला दे मुझे। निकल यहाँ से और कुत्ते को लेके जा। ऐसे क्यों बोल रहा है? और कैसे बोल? ये तो गांव के बाहर निकल। शेरवा भाई, ए क्या माजरा है? हाँ शिवा, इस पागल के चक्कर में मेरा धंधा बर्बाद हो जाएगा। तू देखना इसने क्या किया, ये देख देख देखना क्या ले आया, ये बड़ा वो कुत्ता लाकर छोड़ दिया यार। भैया ऐसा क्यों किया आपने? साथी था वो मेरा, छोड़ दूँ क्या? चाय पिलाता तो चला जाता। ठीक है इसे ले जाकर दूर फेंक कर आओ, जाओ जाओ ना। वो फेंक देंगे। डॉक्टर था बेचारा, अब पागल हो गया है। गांव से गए 10 दिन हो गए तुमको, कहाँ गए थे? एक और चाय दे भाई। भाई हाँ एक और चाय। हाँ देता हूँ शिवा। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, कहाँ गायब हो गए थे? गाड़ी में फूल चढ़ाने के लिए आदमी चाहिए थे, मुझसे गधे की तरह काम करवाया। हाँ फिर एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, खाने के लिए पैसा मांगा तो मुझे मारने लगे। ये देख बाप रे, हॉस्पिटल जाने के लिए भी 5 रुपए नहीं है। बस वाला पहचान का था उस पर चढ़ के आ गया। तुम भी ना। चलो पहले अस्पताल चलो। शिवा ए शिवा, नहीं नहीं बातें बाद में, पहले चलो पैसे दे मुझे, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, भूल गया क्या? मैं अपना इलाज खुद कर लूंगा, पैसे दे। ये लो इतना काफी है। देख लूंगा भाई। भाई 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 अरे बैठो ना, बैठो बैठो बैठो। सबसे पहले अस्पताल जाना, समझ गए ना? बाद में सीधे सलून जाना और बाल कटवा लेना। घर पे बहन की शादी है। बेबी की शादी है? हाँ बेबी की शादी है। बेबी की शादी है? हाँ बाबा बेबी की शादी है और तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर रखे हैं। अब तुम सीधे हॉस्पिटल जाना, उसके बाद सलून जाना और घर चले आना, समझ गए? जाओ सीधे अस्पताल जाना। मैं चला जाऊं, ठीक है ना?
शिवा। शिवा चलो इधर आओ, मारूंगी तुम्हें, इधर आओ। मामा हाँ क्या है बोलो। मामा मामा मेरी एक हेल्प करोगे मामा। कैसी हेल्प? मामा मामा तुम सबकी शादी करवाते हो ना मामा, मेरी भी करवा दो ना मामा। क्या शादी? तुझे शादी करनी है? प्लीज मामा। ठीक है ठीक है, तुम रो मत, रोना मत, कल सुबह बड़े मंदिर में शादी होगी, ठीक है ना? अपने मम्मी को बोल देना, जाओ। लगता है जहाँ पहुंचना था वहाँ पहुंच गए। ए ये देखो क्या बात है, गांव का सरपंच भी सायरन की गाड़ी लेके घूमता है यहाँ। ए ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन देखना, TN-59 मदुरई की गाड़ी है, अंदर शायद कोई मंत्री आया है। डर रहा है क्या तू? डरूंगा क्यों, चलिए सर। सीता, अरे ये ऊपर कौन है? कौन है तुम लोग? यहाँ पे सीता कौन है? चेक किसने पुकारा? अरे ये दादी को भी अंदर ले ले। आजा अंदर आजा। हाँ यहाँ पे कोई हमारा पीछा नहीं करेगा, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे जल्दी करो। अरे पकड़ो इनको। अरे कौन? ए जी कहाँ है आप? दो लड़के घर में घुसकर सारी औरतों को ले गए। हम बहुत खुश नसीब है कि आपकी शादी देखने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हमें शुक्रिया क्यों कह रही हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए, बस ये हमारी खुशी का दिन है। आशीर्वाद दीजिए। कांग्रेचुलेशन दादी, हनीमून गोवा में मनाना। चुप कर, से बात कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। जी चलो चलो भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ मैंने तेरी कुंडली एक पंडित को दिखाई है, अब तू नहीं बचेगा। तुम खुश हो ना? बहुत बहुत खुश हूँ मैं। ए जी ये वही लड़का है। अंकल आंटी बहुत गुस्से में लग रही है। क्या बजाया? शर्म नहीं आती तुझे? सास बहू की परेशानियों का वक्त जा चुका है, अब सारी बहुएं अपनी सास को माँ जैसा समझती हैं, और तू है कि छे। माँ बाप की खुशियों में ही बच्चों की खुशी होती है, उन खुशियों को पाने के लिए तुम लोगों को बस अपनी सोच बदलनी थी। ए, कहां आकर क्या बात कर रही हो? ए, छोड़े तू शांत रह, क्या करेगा तू? हम सब लोगों को अंदर डलवा देगा क्या? नहीं तो गुंडों से पिटवाएगा, इतना ही पता है ना तुझे? तेरे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, रोड पे जो कचरा ले जाकर फेंकते हैं उनको नमस्कार करता है, लेकिन उसरे कचरे को उठाने वाले को तू छी बोलता है। मेरे बेटे की छोटी सी गलती को अभी तू उछाल रहा है। अच्छा सुन, जब माता पिता अपने बच्चों की शादी करवाते हैं वो एंटरटेनमेंट होता है, हर किसी के घर में होता है, लेकिन जब बच्चे अपने माता पिता की शादी करवाते हैं वो वरदान होता है। ऐसा करवाना पुण्य का काम है। जो तुझे नहीं मिला वो अवसर मेरे बेटे को मिला है। जा जाकर उनका आशीर्वाद ले और थोड़ा बहुत पुण्य कमा ले। जा जा जल्दी जाकर आशीर्वाद ले लो, वरना हनीमून के लिए निकल जाएंगे। देखो बेटा शिवा, तुमने अब तक कितनी ही लड़कियों की शादी करवा दी है और कितनी ही प्रॉब्लम को झेले भी हो, तब मैं सोचता था कि तू ये गलत काम कर रहा है, पर अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। तू किसी को भी उठा करके ले आ, मैं देख लूंगा। ऐसा क्या? और क्या, अपने पापा पे भरोसा कर, मैं बहुत अच्छी गाड़ी चला लेता हूँ। तू ऐसे डाउट में क्यों देख रहा है, बता इसे मैं कैसी गाड़ी चलाता हूँ। हाँ सिर्फ जब आंटी पीछे बैठती है तो इनके हाथ पैर हिलने लगे। शादी नहीं होगी बता देता हूँ। मामा हे आ जाओ, खाना खा लिया ना? हाँ जी खा लिया। और अब सब ओके ना? ओके। तुम हैप्पी हो ना? हैप्पी। मामा मम्मी रो रही है, दो दिन से खाना नहीं खाई, दादाजी का भी बुरा हाल है, वो बीमार होते जा रहे हैं। हुआ ये था कि दादी 7 साल की उम्र में चल बसी, दादा को पहले किसी से प्यार हुआ था और मम्मी चाहती थी कि दादा की उनसे शादी करा दे। आज 20 साल हो गए लेकिन उनके घर वाले दादाजी से उनकी शादी कराने के लिए तैयार नहीं है। मामा दादाजी की उनसे शादी करा दो प्लीज। बेबी जाओ अपनी माँ के पास जाओ, जाओ जाओ। बाय बेटा। आप जाइए, मैं आ रहा हूँ। हाँ छोटे, मैं भूल गया था। हाँ? वो बगल में चंदू की दुकान है ना, उसे कबड़ के पैसे देने हैं। ठीक है, मैं जरा ऊपर जा रहा हूँ, टीवी का ऑर्डर देना है। ठीक है पापा। और वो बर्तन की दुकान पर जाना। हाँ? जल्दी आ जाना। ठीक है पापा। भाई वो कबड़ घर पे उतारो या फिर बाहर ही रख दो? नहीं नहीं घर पे ही उतारेगा तो ठीक है भाई, कल सुबह घर पे पहुंचा दूंगा। ओके थैंक्स जी भाई।
छोड़ इसे। मैं जाकर मन्नू को छोटे क्या पापा तुमने क्या बताया कहाँ जा रहे हो? मैं मन्नू को देखने जा रहा था पापा। ठीक है जाओ पर संभल कर जाना। ठीक है पापा। उस दिन वो अपने घर पर आकर चिल्लाकर लड़ाई करके जाता तब तो फिर ठीक है चलता था, पर उसने उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने सिर्फ अपने बेटे शिवा को एक बार देखा, उसके बाद साइलेंटली वहां से चला गया। यही बात मेरे दिमाग में घूम रही है। आज बीच रास्ते पर एक आदमी को काट रहे थे, उसकी शक्ल कैसी थी पता है? मुझे उसकी आंखों में गुस्सा नजर आया, वही गुस्सा जब वो अपने बच्चे को छोड़कर जा रहा था तब मुझे नजर आया था। मुझे उसका कोई डरवर नहीं है, मेरे पापा भी कितने स्ट्रॉन्ग आदमी हैं। उन्होंने देखा या नहीं देखा नहीं पता, पर वो डर रहे हैं कि अपने बच्चे को कुछ होना चाहे। अरे कुछ नहीं होगा, हम सब मंदिर जाके पूजा करेंगे, जरूरत पड़ी तो ऐसा धागा बांध देंगे, फिर कुछ गलत नहीं होगा। ए, तो क्यों फालतू कुछ भी सोचता है? मन्नू, कहते हैं जिंदगी में छोटा सा डर आता ही अपनी सारी गलतियां याद आ जाती हैं। कितनों की शादी रुका कर उनके माँ बाप का श्राप लिया होगा। ये वही माँ बाप है जो तेरे हर किए काम पर तुझे खुशी खुशी बधाई देते हैं। मुझे पता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, पर पापा को पूरा विश्वास है कि मैं कोई गलत काम नहीं करता, और पापा की तरह माँ भी मुझ पर विश्वास करती है। हम सब लोगों का सपना क्या है पता है? मेरी बहन कविता की शादी। मेरी वजह से उसकी शादी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, यही डर है। ए, ऐसा कुछ मत सोच, तू दुखी मत हो यार। शादी में जरूर आना भाई। अरे शादी की तैयारी तो आपने शुरू कर दी, पर आप ही नहीं मिल रहे हो हमें। कुछ काम हो तो हमें भी जरूर बताइएगा। क्यों भाई, गांव की सारी शादियों का पूरा काम मैं ही करता हूँ। ये मेरी बेटी की शादी है और इस घर का पहला शुभ कार्य है, मैं ही पूरा काम करूंगा, समझ गए? तुम शादी में आकर सिर्फ खाओगे और आशीर्वाद दोगे, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी जरूर आएंगे। बिल्कुल जरूर आइएगा। अरे भाई देख क्या रहे हैं, गुलाब जल बढ़िया से चिखिए। कोई अंदर नहीं जाएगा। हाँ नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। मणि तू अंदर जाएगा कि नहीं? नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगा। अंदर जाना है। मना कर रहा हूँ ना। आप खाना खाकर जाइएगा। खाने के पैसे नहीं लेंगे हम। मजाक कर रहा है मणि, तुझे अंदर जाने को आऊंगा। अरे तो जाके कहीं मर जा। मेरी इज्जत नहीं होती, मैं नहीं आता। तो फिर भूल जा, इज्जत मान मर्यादा तुझे मिल गई समझ ले। घड़ी में ऐसी बातें क्यों कर रहा है? बोले ना कब से नाटक किया जा रहा है। क्या बात है पापा, तेरा भाई यहाँ पे पीकर मचमच कर रहा है, तू जरा जाकर देख उसे। नमस्ते शिवा। यार मेरी इज्जत नहीं कर रहा। कितनी पी रखी है रे तूने, यहाँ सब तेरी इज्जत करते हैं। चलो बकवास मत कर। वाह नहीं, इधर इधर चल। नाटक की कल का सुनिए जी, सुनिए जी, सुनिए ना,
तुम इतना पैनिक क्यों हो? बेटी भाग गई क्या? आप मुझे शुभ घड़ी का ज्ञान दे रहे थे। तुम्हारे साथ रहूंगा तो यही होना है। अरे उसे छोड़ो, यहाँ सुनो, गहने चाहिए, बेटी की चाबी कहाँ है? बेटी की चाबी तुम्हारे पास ही थी। मेरे पास थी क्या? अंदर रखी थी। याद आया। वो कैटरर्स वाले आ गए क्या? उन्हें पीछे। मन्नू, शादी का माहौल है, सारे फ्रेंड्स आज मौज मस्ती की सोच रहे होंगे, क्यों है ना? हाँ अंकल, आपको तो सब कुछ पता ही है। एक बियर, दो बियर, क्वार्टर, हाफ, फुल, चिकन 65, सिगरेट पैकेट, ये सब ले ले, थोड़ा कम पड़ेगा। क्यों, रूम बुक करना है क्या? कल सुबह तुझे शादी में भी आना है, चल अब जा। आपके लिए कुछ लेके आना है। मेरी बीबी मुझे बहुत मारेगी। वो भी मारती है, लेके उनके लिए। डंडे से मारेगी वो। लगता है बहुत खाया। मुझे नहीं, तुम लोगों को मारेगी। कहाँ भेजा? जूस लेने के लिए भेजा है उसे। आ रहा हूँ। अरे भैया, बाल कटवा दिए ना तो दाढ़ी भी तो करवा लेते। शिवा, तेरी शादी कब होगी? मेरी, मेरा ना एक शिल्वा नाम का भाई है, सबसे पहले उसकी शादी होगी, फिर उनके छोटे भाई शिवा की शादी होगी। ओके ना? बहुत बढ़िया, कर ले। मुर्गा, ए मुर्गा, रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। ए इधर आओ। अरे अरे अरे, धीरे धीरे। अरे क्या कर रहे हो? थोड़ा मेरे भी काम आ जाएगा, संभल कर, देखना सबको मिलना चाहिए, झगड़ो मत। ए, चल चल, लेट हो, जल्दी पिकर, जल्दी बनना है क्या? आजा जा, बैठ जा, चल जल्दी कर। ठीक है, अब सुनाओ मत इतना, चलो जल्दी जल्दी कर। अरे भाई, तब से लाइन में खड़ा हूँ मैं। ए, अरे ए, पहले पहले दो घंटे हो गए मुझे, पहले मुझे पीछे जाना। अच्छा, सर्कल के वाइन शॉप पे आ जाओ। सॉरी बॉस, गलती से गिर गया, जरा वो कैश दे दो। अरे देख क्या रहे हो, क्या जरा उठा दो ना, पॉकेट में डाल दोगे? मेरे हाथ जरा बिजी है। क्या वो सर में तेल नहीं लगाते हो क्या? जंगली जैसे दिखते हो। हाँ कुछ नहीं यार, एक जंगली आदमी मिल गया था। ए, ये क्या है? दो बोला था ना भाई, दो फूल लिया था, आते समय एक ने धक्का मार के गिरा दिया। कौन है वो? वो ब्लू शर्ट वाला है ना, वो बोतल तोड़ी, सॉरी भी नहीं बोला और चला गया। अरे ये क्या है, बियर ठंडा मांगा था, उसने ऑमलेट ठंडा दे दिया। खाली बोतल चाहिए, जैसे ये बोतल खाली होगी बता दूंगा। अरे इसे 5 रुपए चाहिए यार। ए, बोतल गिरा के सॉरी तक नहीं बोला तूने, तेरी तो। बॉस 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 बॉस, सॉरी बॉस, सॉरी बॉस, सॉरी बॉस। ए, मंडप पे इतना सारा काम है, यहाँ क्या कर रहा है? इडियट्स। ए भाई, तेरी सॉरी हमें नहीं चाहिए, बोतल इसने फोड़ी है तो सॉरी भी यही बोलेगा। सॉरी बॉस, आपको कौन सी बोतल चाहिए, कौन सा ब्रांड चाहिए मुझे बोलो, मैं लाता हूँ। आपको जितना सॉरी चाहिए मैं बोल देता हूँ। अरे सॉरी क्यों बोल रहा है यार इसे? ए, तू चुप कर, गधा कहीं का, पी के नौटंकी। बोलिए बॉस। सुनो भाई, फोन करके किसी को कुछ बोलो मत, कोई बड़ा सीन नहीं हुआ है, यहाँ आओ। अरे उनको लेकर आओ यार। हाँ बोलो भाई, कौन सी बोतल चाहिए, कौन सा ब्रांड चाहिए, चलो आओ आओ। ए, हमारा ब्रांड यहाँ नहीं मिलता, मार्केट में जाना होगा, चल हमारे साथ। यार ये तो डेविड का एरिया है। मनु, कुछ भी हो जाए बहन की शादी नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है? क्यों भाई, तेरे एरिया का वाइन शॉप बंद है क्या? नहीं, ऐसे ही एक फंक्शन था। क्या शादी? हाँ भाई, दोस्त की। जी हाँ। गांव की सारी शादियों को रोक कर तू अपने दोस्त की शादी करवा रहा है, हैं? वो दोनों प्यार करते हैं, दोनों के घर वाले भी मान गए और अब वो दोनों शादी कर रहे हैं। और हम सारे दोस्त लोग पीने के लिए बैठे थे। इसने अपनी पूरी बोतल तोड़ दी और सॉरी भी नहीं बोला भाई, बहुत स्याणा बन रहा था। ये तो मैं दारू लेके देता हूँ सर। कौन है, क्या है, देखता भी नहीं। हाँ
लिए होशियारी करता है। इस पे क्या लिखा है? हमसे झूठ बोल रहा था। ए, तेरे घर की शादी है? नहीं नहीं, तेरी है। क्यों, शिवा नाम का फ्रेंड नहीं हो सकता क्यों बे? हाँ, हमारा शिवा नाम का एक उसके घर की शादी में गए थे, वही है ये। ये लोग पीने के लिए कहाँ बैठे थे? मेनूर सर्किल के पास। इस मंडप में अपने आदमियों को भेज, मुझे जानना है आखिर शादी किसकी है। तिरुवैया में उसकी बहन की शादी है, बड़ी तुरई में। बड़ी तुरई में? हाँ भाई। तेरी बहन की शादी है? डेविड जी, डेविड जी, कोई प्रॉब्लम मत। मनु उठ जा। बहन की शादी कोई पंगा नहीं चाहिए यार। अब तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं था, तूने बोल दिया है, अब नहीं रुकूंगा। मैंने क्या बोला? रुक जा। मनी, मंडप में जाके चार लोगों को काट डाल। आपकी शादी रुकवा दी, आप मेरी शादी रुकवा दो। मेरे मम्मी पापा बहन का कोई लेना देना नहीं है। तेरा और मेरा लेना देना है ना, उतना ही बहुत है। मेरी गलती है ना डेविड भाई, आप कुछ भी बोलो मैं करता हूँ ना, पर मंडप में कुछ मत करना। मुझे जो करना है कर लो, कुछ भी कर लो मेरे साथ भाई। तो कोई लड़की है क्या कि हम तेरे साथ कुछ भी कर लें? आप बोलो डेविड भाई, मैं क्या करूं? मुझे अभी इसी वक्त शादी करनी है। तो इसमें मैं क्या करूं? हमारे भाई को ले जाना है, मंगलसूत्र पहना के शादी करा दे, समझा? और उसके बाद हनीमून पे भेज दे। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और घर वालों को कुछ हुआ तो भी कुछ भी कर सकता हूँ। क्या हंस के बोल रहा हूँ, सीरियसली करके दिखाऊंगा, समझे? क्या करेगा तू? हाँ, क्या करेगा तू? आपके लिए कुछ भी करूंगा डेविड भाई, आप बोलो ना मुझे क्या करना होगा। तूने मेरी शादी रोकी थी ना, मैं अभी शादी करना चाहता हूँ। जा और जाके लड़की लेके आ, मैं वेट करता हूँ। ठीक है भाई, लड़की कौन है बता दो, मैं उससे बात करता हूँ। और इसके 2 महीने बाद शादी है, मैं लड़की से प्यार करता हूँ, जा इसे उठा कर लिया। पहले बता देते डेविड भाई। ठीक है, लड़की उठाने के बाद फोन करता हूँ, बताइए कहाँ है। ए, जाके पहले उसे उठा, इसे उठाने के बाद तू बस मुझे इन्फॉर्म कर, मेरे बंदे वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है डेविड भाई, ठीक है। यहाँ पर तो तू ठीक है बोल रहा है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद अगर तूने कोई गड़बड़ की ना तो समझ ले वहाँ मंडप में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अच्छा बॉस, हाथ में जो कड़ा पहनते हैं वही लोग सिर्फ मारते हैं, धागा पहनने वाले मार नहीं सकते? जा जा, पहले तो जिंदा लौटता है क्या ये देखते हैं। किसे उठाने जा रहा है पता है तुझे? मदुराई मणिवासन की लड़की, जो उस गांव में पैर रखता है उसके पैर काट देते हैं, जो उसका नाम लेता है उसकी जुबान काट देते हैं। चल जा। ठीक है भाई, मैं आपको फोन करता हूँ, चल रहे। हाँ। मम्मी पापा को संभाल लेना, अगर कविता कुछ पूछेगी तो कोई बहाना बना दे, मंडप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधे मुझे फोन करना। ये तो क्या बोल रहा है यार, तेरा जाना जरूरी है, हम उसे रोक नहीं सकते क्या? शादी के माहौल में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, और इसीलिए मैं राजी हो गया। ए, ए, जो बोला है वो कर, जो करना है कर जा। परेशान है यार। भाई साहब, ये हमारे मदुराई के लिए बस कहाँ से मिलेगी? आज मुहूर्त का दिन है, वो देखो लास्ट बस निकलने वाली है, जल्दी जाओ। ए, ये रहा। ठीक, मैं चलता हूँ, संभल के जाना। हेलो, मदुरई के हो? जी हाँ। मदुरई में कहाँ? मदुरई बस स्टैंड पे। तो मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो बॉस? हाँ, मदुरई में क्या फेमस है? अरे पूरा मदुरई फेमस है। वो नहीं भाई, मदुरई में और क्या फेमस है? मदुरई बोले तो मार काट, मदुरई बोले तो गुंडागर्दी, मदुरई बोले तो झगड़ा, मदुरई बोले तो लफड़ा, मदुरई बोले तो मेरा भाई मणिवासन फेमस है।
भाई नमस्ते भाई, मैं उधर बैठ जाऊं क्या? अरे भाई कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। साली का जन्मदिन है तो मैं शादी पे नहीं आ पाऊंगा। हाँ लेकिन जैसी उनकी शादी हो जाएगी उनको घर पे दावत के लिए बुला लूंगा। बुरा मत मानना भाई। अच्छा चल ठीक है, मैं मदुरई आया हूँ, तू कहाँ है? तू मदुरई में है क्या? वहाँ बहन की शादी है और तू यहाँ मदुरई में क्या कर रहा है? सुन भाई, मदुरई में तू कहाँ पर है? माटदावनी के बस स्टैंड पर। भाई आसपास में देख ले, उसी के बैनर होगे, उसी के बड़े बड़े होर्डिंग भी लगे होंगे। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ उसके फोटो ना हो। भाई जरा संभल गया, उसके घर से लड़की तो दूर, तू पैन भी नहीं उठा सकता यार। ठीक है तू जो बोल रहा है मैं समझ गया, पर मेरे हालात को भी जरा समझ। कल मेरी बहन की शादी होने वाली है, मैं मेरी बहन की शादी नहीं देख पा रहा हूँ यार। मेरी वजह से उसकी शादी रुकनी नहीं चाहिए, यह मैं चाहता हूँ। तू मेरी एक छोटी सी हेल्प करेगा, मुझे उस मंत्री की बेटी से मिलना है और फोटो लेना है उसका, बाकी सब मैं देख लूंगा। उसके साथ फोटो लेना है? अच्छा ठीक है भाई, उसके घर का ड्राइवर मेरा दोस्त है तो मैं उससे बात करता हूँ। लेकिन अगर कल को तू फंस गया ना तो मेरा नाम मत लेना भाई। जल्दी से फोन करना। भाई ये कल का पेपर है, आज का अभी तक आया नहीं, आ रहा है। आज की न्यूज मुझे पता है, कल की न्यूज मुझे देखनी है। मन्नू, शिवा कहाँ गायब हो गया? कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा। यही कहीं होगा, किचन में शायद लोगों को खाना परोस रहा हो। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, सब काम का ठेका तुम्हीं ने ले रखा है क्या? वो क्या करेगा, उसे भेज जल्दी। ठीक है ठीक है। ए सुन। हाँ हाँ आता हूँ। नमस्ते। सुनिए जी, शिवा कहाँ रह गया? कल रात से वो गायब है। तू इतना क्यों डर रही है? इतना सारा काम है, कहीं ना कहीं होगा बेचारा। आ जाएगा वो, आ जाएगा, तुम जाओ जाकर काम देखो। देखो वो पंडित जी बुला रहे, जाओ। रुकिए मैं आई। यार मैंने पूछ लिया है, उस लड़की का नाम भारती है, अपोलो कॉलेज में पढ़ती है। तू वहाँ जाएगा तो उसकी फोटो ले सकता है। स्टूडेंट और मदुरई के प्रख्यात मणिवासम की इकलौती प्यारी बेटी भारती मणिवासम आज हमारे लिए एक कविता सुनाने जा रही है। अरे तालियां क्यों नहीं बजा रहे? सुनते हैं फ्रेंड्स। किसी से नहीं जुड़ा। जरा जोर से बोल। किसी से नहीं जुड़ा। अरे जुड़ेगा भी नहीं। क्या है बे, तुझे आसान लगता है? किसी से नहीं जुड़ा। चलो यहाँ।
से। अरे मैं आ गई। मैंने पहले ही कहा था स्टेज पर माइक के सामने बोलना इतना आसान नहीं है। इसे लगा एड्रेस बताने जितना आसान है। इसके लिए गट्स चाहिए होते हैं। अगर तूने अपने पापा की तरह व्हाइट शर्ट पैंट पहना होता ना तो माइक भी शर्माता। हाँ, हाँ। पॉलिटिशियन के पास तो ये माइक शर्माता है और हमारे सामने इतरा रहा है। रुकिए 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 रुकिए, ये सब क्या है? तुम्हारा नाम भारती है और स्टेज पर कविता बोलने से डर रही हो? ऐसे डर के काम नहीं होगा, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। मेरे साथ चलो। हाय फ्रेंड्स, यहाँ पर अंग्रेजी गाने पर नाचा तो आपने बहुत एंजॉय किया। हाँ मुझे पता है, जिन्होंने ये डांस किया काफी अच्छा किया, लेकिन यहाँ पर एक गांव की लड़की है और हमारे मदुरई की है और इसका नाम है भारती, और आज ये भारती हमारे भारत के बारे में कविता सुनाने जा रही है। तो आप सुनोगे? आप सुनोगे? अच्छे से पढ़ेगी तो हम जरूर सुनेंगे। एक मौका तो दो, खुश हो जाओगे। दोस्तों सही है ना? थैंक यू। अरे चलो चलो शुरू हो जाओ। शुरू करो या मैं स्टार्ट करूं? कोई भी ना कर सका हम भारतीयों पर राज। ऑल द बेस्ट। करते हुए बाहर चला गया। अपने बर्थडे पे भी मैंने इतने क्लैप्स नहीं सुने थे। ए मन्नु, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? लफड़ा तो कुछ नहीं है, मम्मी पापा को तो संभाल लिया है, पर कविता का क्या? यार कैसे भी करके संभाल, मैं उस लड़की से मिल चुका हूँ और उसकी सेल्फी लेके आ रहा हूँ। ला ला मुझे फोन दे। हेलो भैया। हे अरे कवि, अरे कैसी हो दुल्हनिया? वो सब छोड़, तू कहाँ पर है? कोई बड़ी प्रॉब्लम है क्या? क्या नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आखिर वो है कौन? वो तेरा हाथ पकड़ के ले जा रहा था और तू इतनी खुश हो रही थी। मेरा लवर है वो। लवर है? जिस डिंपल वाले लड़के की बात की थी वही है ये? हाँ हाँ वही है वही है। कल रात से तू दिखा नहीं है, कहाँ गया है तू? तू आया नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी, देख लेना। भाई बस आ ही रहा है, शादी के लिए रेडी हो जाओ, जल्दी आ जाना। अरे थोड़ी ही देर में पहुँच जाऊंगा। प्रॉमिस प्रॉमिस। तुम्हें पता है अभी वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? प्लान बना रहा है। क्या कह रही है? और नहीं तो क्या, मदुराई के मनीवासन की लड़की को उठाना आसान है क्या? इसलिए दोस्तों को फोन करके अलर्ट कर रहा है। तेरा मतलब मास्क ऑफ ज़ोरो फिल्म की तरह? हाँ, लेकिन बॉलीवुड स्टाइल में। जानती हो वो थोड़ा इमोशनल क्यों हो रहा है? हाँ? क्योंकि उसे पता है कि 2 महीने में मेरी शादी होने वाली है, इसलिए। एक और बात बताऊं, पता है अभी वो यहाँ आकर मुझसे क्या कहेगा? आई लव यू वेरी मच। यही देखा? अब तो क्या करने वाली है? भागने वाली हूँ। भागने वाली है? अभी नहीं बाबा, उसने मुझसे 2 महीने इंतजार करवाया ना, आधा घंटा तो मेरा भी बनता है। सेल्फी। अरे यार ऑलरेडी इसे सब पागल समझते हैं, हम इसके साथ रहेंगे तो हमें भी पागल समझेंगे, हमें इसे दूर ही रहना चाहिए। बेटी मुझे देख के डर रही हो? मैं मिनिस्टर की वाइफ हूँ इसलिए। यस मैम। डरो मत, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ।
तुम भी डर रही हो? नहीं मैडम। ओहो हो, डरना चाहिए, मैं मिनिस्टर की वाइफ हूँ ना, डरना मत, ऐसा जब मैं बोलूंगी ना तब मत डरना। ओके मैडम। मिनिस्टर की वाइफ हूँ ना इसलिए डर रहे हैं, आप जाइए। ओके मैडम। अच्छा है ना? बोलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे सुनो तो, मेरी बेटी भी बस आने ही वाली है। भारती सुनो तो, भारती और भारती वन फोटो प्लीज। मम्मी भारती मैं यहाँ हूँ, आ जाओ, इसका डिजाइन देखो कितना बढ़िया है ना। और ये वाला देखो तो, ये वाला देखो। What do you want, sir? Water. Okay, ठीक है। Okay, okay. जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे देख के सब डर रहे थे, मिनिस्टर की वाइफ जो हूँ, मुझे बहुत मजा आया। One photo, please. Photo. आगे। पानी पियोगी? नहीं नहीं, नो। ओके। अब बताओ, तुम्हारे अंदर इतनी डेयरिंग कहाँ से आ गई? डेयरिंग नहीं आई है, अभी भी डर लग रहा है मुझे। तुम्हारी आँखें और तुम्हारी जुबान आधा सच तो बता रही हैं, पूरी सच्चाई बताओ। वो तुम्हारे साथ? मेरे साथ? नहीं, तुम्हारे साथ। मेरे साथ? कॉलेज में तुमने जो किया ना, हाँ, वो सच में बहुत अच्छा था। हाँ। तुम्हारा फैन हो गया, तुम्हारी एक फोटो लूं क्या? तुम्हें बस फोटो चाहिए? हाँ। एक फोटो के साथ तुम लाइफ लॉन्ग जी पाओगे? तो 4-5 फोटो ले लेता हूँ, उसे देख लूंगा, सेल्फी ले लेते हैं। आओ, आओ, आओ। ये सब नहीं हो सकता, हम दोनों साथ मिलकर एक एल्बम बनाते हैं। टेक इट। टेक इट? टेक इट कहाँ? तू क्या वहाँ इडली सांभर पार्सल लेने गया था जो ऐसी बकवास कर रही है? वो अपनी मम्मी को बताने के लिए गई है। क्या मम्मी को बताकर भागने वाली है? अरे उसका स्क्रू ढीला है क्या? मम्मी मम्मी, हाँ? मैंने आपसे कहा था ना मुझे किसी से प्यार हो गया है, वो लड़का यही, हाँ? पर है, मैं उसके साथ भागने वाली हूँ। क्या कह रही हो? जिसके गाल में डिंपल पड़ते हैं, हाँ? ये वही लड़का है? कहाँ है? वहाँ। अच्छा दिखता है। हाय, ऑल द बेस्ट। हाय। ए, भाग रही है तो ठीक है, पर जाके पहले दादी को बता। ओके ओके। अरे सुनो, मैंने तुमसे एक बड़ा हार मांगा था, कहाँ है? It's nice. Tea. सर गांव में नहीं है, उनकी माँ है, आ जाइए। नमस्ते माँ जी। हाँ। मेरी बेटी की शादी होने वाली है, उसी का निमंत्रण देने आया हूँ। ऐसा क्या? आइएगा जरूर। निमंत्रण देने आए हो? जी। मेरी पोती भागने वाली है तो मुझे लगा कि आप लोग उसे बचाने आए हो। ये देखो, इसके साथ ही भागने वाली है। मजाक करिए, आप सीरियस मत लेना। चलते हैं। चलते हैं दादी, चलो चलो। क्या हुआ? चलो चलते हैं ना। तुम्हारे घर पे सब नॉर्मल है ना? नॉर्मल नॉर्मल है। हाँ। बुड्ढी की वजह से सबकी जान जाने वाली है। ए, तुम सब क्या कर रहे हो? गांव के सारे लोग नेताजी के साथ गए हैं, मौका देखकर वो घर में घुस गया। जो मन में आए करो, जाओ। हथियार दे दे, और जिसे नहीं छोड़ेंगे। सब लोग मेरे पीछे आओ। ए, अपने नेताजी की लड़की को लेकर भागने वाला अंदर बैठा है। अरे रुको भाई, मुझे लगा वो बुड्ढी सठिया गई है और बकवास कर रही है, उसके बाद देखा वो लड़की भी तैयार है भाई। ए, रुक जा, उसका गला ही काट देते हैं। ए, घर के अंदर कुछ भी नहीं, बाहर निकलने दो, फिर जो मन करे करना। ए, ऐसा थोड़ी होता है, आज उसे जान से मार देंगे। यहाँ नहीं, जा बाहर, जा। चलो चले। भारती। हाँ। एक मिनट दादी, ये पेन दोगी क्या? मेरी पोती को तू भगा के ले जा रहा है और पेन की इजाजत मांग रहा है। नाइस पेन। चलो चलो, अब चलते हैं। हाँ? चलो। बार्ली, वो इतना बहादुर है, तुझे सामने के दरवाजे से लेके जाएगा। नहीं होता ना तो वो घर पर भी नहीं आता। बाय, टाटा। क्या हुआ? चलो चले, चलो। क्या हुआ? सुनो, पहले हम एक सेल्फी ले लेते हैं। हाँ ठीक है, ले लेते हैं। हाँ, ये तो सेल्फी खींच रहा है। ए भाई। हाँ बोल।
डेविड के लोगों ने अपना कार्यक्रम चालू कर दिया है। उसके दो आदमी यहाँ पीकर आए और सेलवा भाई को बेकार में पिटना चालू कर दिया। बहुत गलत हो रहा यार। मुझे क्यों मारा तुमने? एक मिनट, हाँ यही रुको। हाँ ओके। क्या हुआ, शादी तो नहीं रुकी ना? शादी अच्छी तरीके से चल रही है, पर पापा को थोड़ा बहुत कुछ पता चल गया है। देख, मुझे लगता है कि अब तेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। अरे मनु सुन, काम हो गया ना, पापा को फोन मत दे। मनु सुन, अरे सुन ना मनु, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप जाकर खाना खा लो। शिवा, क्या है? देखो, मेरा बेटा जहाँ भी जाता है, जो कुछ भी करता है, वो मुझसे बोल कर ही करता है। लेकिन इस बार मुझसे बिना कुछ कहे गया है। वो भी अपनी बहन की शादी बीच में छोड़ कर गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए गया है। जानते हो, किसी का विश्वास तोड़ना अच्छी बात नहीं है। उससे बात होती है तो कह देना कि वो निश्चिंत होकर अपना काम करे, उसके बाद वो मुझे फोन करे, मैं बात कर लूंगा उससे। मन्नू, यहाँ काम बस खत्म ही होने वाला है। खेत था, अभी आओ देखता हूं। कौन है? कौन से गांव का है? कान के नीचे दे के उठा के फेंकने का ना। ए, क्या बात कर रहे हो, वो अपने लोगों को पटक पटक के मार रहा है। कैसे मार रहा है? अरे वो अपने लोगों की धुलाई कर रहा है। तू यहीं रुक, मैं आता हूँ अभी। तू अभी कहाँ पर है? मैं अपने आदमी को लेकर आ रहा हूँ उधर। अरे सुन, तू बता, कहीं तू उसकी नजर में आ गया तो वो तुझे भी पटक देगा। अभी वो कौन सी स्ट्रीट में है बता मुझे। अरे ये तो वही लड़का है। नमस्ते भाई। मदुरई बोले तो मेरा भाई मणिवासन फेमस है भाई। नमस्ते भाई। मैंने इसे जानकारी दी, अगर लोगों को पता चलेगा तब तो मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। ए, चलो रे, चलो चलो। ए, ये तो खुद ही फंस गया, करंट लगने से मर जाएगा, मरने दो। ए, जाने दो इसे।
छोड़ दिया। टाइम क्या हो रहा है? 10 बज रहे हैं। करेक्ट टाइम बताओ। 10 बजने में 2 मिनट। ए, चलो रे, चलो चलो। ऐसे ही जाएंगे तो क्या बोलेंगे? यही कि मदुराई के मणिवासन की लड़की को लेकर चला गया। और अब मदुराई के मणिवासन की लड़की को उठा कर लेकर चला गया। ए, उस पानी में कोई जाता तो करंट लगता है और उसे तो कुछ नहीं हो रहा है। ए भाई, गांव में 9 से 10 के बीच बिजली ही नहीं रहती। उफ, उफ, देख क्या रहा है, जाओ पकड़ो उसे। ए, इसलिए वो लड़की को लेकर चला गया, मानना पड़ेगा। बहुत दिमाग से काम किया उसने। चलते हैं। हाँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ से कैसे लेकर जाओगे? इसी लड़की को लाने के लिए बोला था। अरे हाँ, ये तो मणिवासन की लड़की है, उसने जैसा बोला कर दिखाया। अरे चल रहे, नागा नागा मदुराई में फोन लगा, मदुराई में फोन लगा और पता कर क्या चल रहा है। ए, नेताजी की लड़की को उठाकर ले गया और तू टीवी देख रहा है। बोल रहे नागा, वहाँ मदुरई में चल क्या रहा है और क्या चलेगा? अरे भाई की लड़की को यहाँ से ले गया है वो। ए, बोल उठा कर ले गया है। वही तो बोल रहा हूँ भाई, मदुरई में कन्नगी के बाद हम लोग भी हैं। अपने भाई की लड़की के लिए हम पूरा का पूरा मदुरई चला देंगे। चलो उसको फोन कर, शिवा को फोन कर, लाउड स्पीकर में डाल। ए, कहाँ है, क्या हुआ वहाँ पे? डेविड भाई, कुछ तो बोला था ना, अंदर जाएंगे तो पैर काटेंगे, ज्यादा बोलेंगे तो जीप काटेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और वो तो सबके सब बेवकूफ है डेविड भाई, वही पुरानी तलवार, वही पुराने हथियार लेकर वहीं पर घूम रहे हैं वो लोग। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाईवे, सब जगह जाम लगा कर रखा है, लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि मैं एरोप्लेन से भी तो आ सकता हूं। और वो लड़की कहां है? लड़की मेरे हाथ में, मेरे घर की शादी तेरे हाथ में, 1 घंटे में पहुंच कर फोन करता हूं। टेक केयर।
यहां से कहां जाएगी तू? बाप का किया हुआ पाप बच्चे ही भुगतते हैं और उनका कर्ज भी। 7-8 साल पहले जब तू और तेरा बाप पैसे लेने आए थे तब देखा था, बहुत खूबसूरत दिखी मुझे और अब भी तू वैसी ही है। ये बता यहां से कहां जाएगी? 3 बार भागने की कोशिश की भाई, मॉल के सारे लोग हमें ही देख रहे थे। अब उठकर जल्दी तैयार हो जा। पापा, हाँ बोलो पापा। हाँ वहीं पर हूँ। ठीक है, देखकर बताता हूँ। आज रजिस्ट्रेशन था ना? वो आप थोड़े बिजी थे ना भाई, इसलिए। हाँ भाई बोल, अभी कहाँ पर है तू? वहाँ पर सब ओके है ना, और शादी पूरी हुई? हाँ शादी यहाँ पर हो गई है, अभी अपने बाकी की रस्में चल रही है, अभी टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ पर सब खुश है पर तुझे मिस कर रहे हैं, जल्दी आ जाना ठीक है? दूसरा कुछ पंगा तो नहीं है ना? कुछ नहीं रे, सिंधिल अपने सेलवा भाई को देखने हॉस्पिटल गया है। हाँ, और कविता? हाँ। पापा? ए, शादी पूरी हो गई इसलिए तीनों बहुत खुश है, गाँव के लोग सभी चले गए हैं, अब बस अपने परिवार वाले बचे। इन सबको जाने दे, फिर बताता हूँ उस डेविड के लोगों को। ए पागल, क्या हुआ भाई? तो तुम्हारा कुछ करने की सोचना मत, सब कुछ तरीके से हो रहा है, मैं देख लूंगा, तू शांत रह, समझा? नहीं यार, उसको इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। ए डेविड कॉल कर रहा है, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। फोन क्यों बंद किया तूने? आप तो यार गाड़ी में घूमते हो, फ्लाइट में ट्रैवल करते वक्त फोन ऑफ रखते हैं, इतना भी पता नहीं? अभी कहाँ है तू? प्लान में एक छोटा सा चेंज है, मदुरई के एयरपोर्ट पर तुरंत एक फ्लाइट आई थी कोयंबतूर के लिए, तो अभी मैं कोयंबतूर की फ्लाइट पकड़ के कोयंबतूर आ गया हूँ। अभी बताओ कोयंबतूर में रहूँ या कुंभकोलम में आ जाऊँ? हे, तेरे जैसा एक भी बंदा मेरी गैंग में नहीं है, लेकिन तू जो काम मैंने दिया बिल्कुल सही कर रहा है। तेरे लिए मेरे पास और भी बहुत काम है। अच्छा एक काम करो, उस लड़की को। डेविड भाई सुनो, मुझसे गलती हो गई थी जिसका भुगतान करने के लिए मैंने आपका ये काम कर दिया, इसी के साथ अपनी डील ओवर, उसके बाद आपका मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं होगा, समझ गए ना? ओ, शादी हो गई तो आवाज में अकड़ आ गई तेरी। कल मंडप में किसी एक को काट देता ना तो दूल्हा और दुल्हन के घर वाले यही सोचते रह जाते कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, लेकिन अभी भी मौका चुका नहीं है। तू क्या अपनी बहन को विधवा बनाना चाहता है? नहीं ना, तेरी बहन सफेद साड़ी में मुझे भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। सिचुएशन का फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अब तक समझा नहीं तू? तेरे जैसे लोगों की सिचुएशन से खेल कर ही तो हम सक्सेस के रास्ते पर चलते हैं। डेविड, जो लड़ाई के लिए हर बार इनकार करता है उसे लड़ाई नहीं आती ये नहीं समझना चाहिए, बल्कि वो किसी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रहा होता है। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? तो एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जा। एक बात और बोलता हूँ, सुन ले, मदुरई से तो तू किसी तरह उस लड़की को उठा लाया, लेकिन अब तू जहाँ पहुंचा है वो उस लड़की की मंगेतर की जगह है। यहाँ तेरी होशियारी नहीं चलेगी, कोयंबतूर में तू जहाँ भी कदम रखेगा सीसीटीवी कैमरे से वो तुझे ढूंढ निकालेंगे। डेविड, बेहतर होगा तू सिर्फ एड्रेस बता कि कहाँ आना है, इसका मंगेतर यहाँ रहता है कि नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तू इसे यहाँ से लेके जा बस। मैं तुझे आधे घंटे में फोन करता हूँ, ठीक है? तुम्हारी बातें खत्म हो गई? हाँ, जानते हो अभी मुझे कैसा लग रहा है, जैसे तालाब की मछली को उठाकर समंदर में डाल दिया हो, छोटे से पंछी को जैसे नए नए पंख आ गए हो, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तुम्हारा हाथ पकड़कर सांसें रुक जाने तक भागने को तैयार हूँ मैं। भागोगे क्या? सच में स्क्रू ढीला है। जैसा बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, मारी लॉकअप में मारा गया, उसका जीजा कल रिहा हो जाएगा। ये बता तू इतना बोर क्यों कर रहा है? ये सब कितनी बार बताएगा? पर सुनो, you
तुमने बुलाया? हाँ बुलाया। बोलो। तुम अपने पैसों से मुझे एक ड्रेस खरीद कर दोगे क्या? हाँ खरीद लूंगा। उस कुंभकोलम वाले को फोन करना, मुझे मारने के लिए बहुत कमजोर लोग भेज रहा है वो। ए, गाड़ी रोक रहे। डेविड। ए, आ रहा हूं मैं। आ ना, तुझे मैं भी देखना चाहता हूँ, कमजोर आदमियों को क्यों भेजता रहता है। तुझे कुछ हुआ नहीं ना? मैं डर रहा था कि तुझे कुछ हो ना जाए। जरा संभल के, धीरे धीरे मैं तुझसे अपना बदला लेने वाला हूँ। तुझे मैं तब तक मारूंगा जब तक मेरे कलेजे में ठंडक नहीं पहुंच जाती। तुझे अपनी गाड़ी के पीछे बांध कर खींच कर अपने गांव तक ले जाऊंगा। मैं भी यही चाहता हूँ। आजा और जरा जल्दी आना, गेम तो शुरू हुआ है और इस गेम में मजा आने वाला है। हाँ हाँ आएगा, जरूर आएगा। तेरी शादी रुकवा कर तेरी मंगेतर को मदुरई से उठाकर ले गया मेरा आदमी और तो कुछ नहीं कर पाया। तेरे इलाके में कोई कदम भी रखता है तो तुझे पता चल जाता है ना। जा जा, तेरी होने वाली बीवी को लेकर वो घूम रहा है। इस समय कोयम्बतूर में तुझमें दम है तो उसे पकड़ ले। क्या हुआ? अभी गेम में मजा आ रहा है ना? हाँ? हाँ बोल, सब निकल गए क्या? हाँ सब निकल गए हैं, लेकिन डेविड के लोग यहीं पर घूम रहे हैं। वो सॉरी बोलना था, ये सब मेरी वजह से हुआ ना। उस दिन मैं पीने के लिए नहीं गया होता तो ये सब होता ही नहीं। मेरे चक्कर में तू फंस गया। ए पागल, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस और थोड़ी देर के लिए संभाल लेना। उस लड़की को छोड़कर मैं तुझे दोबारा कॉल करूंगा, ठीक है ना? ठीक है भाई। ओके। हेलो ब्रदर, यहाँ पर लड़कियों के कपड़ों की कोई दुकान है क्या? वहां पर एक बड़ा मॉल है, वहां जा सकता है। थैंक्स ब्रदर। ए, वो मेरा है। पता लगा क्या चल रहा है? मदुरई में फोन लगा। बोलिए दामाद जी। ससुर जी, भारती। जानता हूं, शादी के दो दिन पहले ही निमंत्रण छुपवा कर पूरे गांव और देश में बंटवा दिया ताकि जो छुपा हुआ है बाहर आ जाए। मैं जानता हूं ऐसा करने वाले कौन हैं, उन्हें मैं देख लूंगा। नहीं ससुर जी, मैं ये कह रहा हूं, अक्टूबर की 26 तारीख को सुबह 9:30 बजे से 10 बजे ईवीटी कल्याण मंडप में शादी है। मैं आपको बुलाता हूँ। ये दामाद कौन से गांव का है? कोयम्बतूर मालिक। अपने दामाद का नहीं, मेरे दामाद का बताओ। कुंभकोलम। हाँ डेविड। ए, कहाँ है तू? मुरुक फिल्म मॉल में। ए, मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ। पर तू कुछ और खेल खेल के मजे ले रहा है। ठीक है, वही मॉल के सेकंड फ्लोर पर एक कॉफी शॉप है, तो वहीं रुक, मैं तुझे वहीं मिलता हूँ। उस लड़की को मुझे सौंप दे और तू आजाद। हाँ ठीक है, तू पहले जल्दी आ जा। कैसी लग रही है ये ड्रेस? हाँ? कैसी है? सुपर। अच्छा नेक्स्ट प्लान क्या है? कॉफी पीते हैं क्या? मन हुआ ना तुम्हारा मेरे साथ कॉफी पीने का? मन हुआ ना? अच्छा बोलो,
और क्या हुआ? नहीं, तुम ही कुछ बोलो ना। मैं बोलूं क्या? हाँ। मैं क्या बोल सकती हूँ? मेरा तो एक ही साइड है, जैसे वॉल के पोस्टर का एक ही साइड होता है। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, तो तुम बोल सकते हो। बोलो बोलो। वो सब हुए बिना ही तुमने मुझे ढूंढ लिया क्या? बोलो ना। बोलूंगा नहीं तो छोड़ेगी नहीं। ये तुम्हारा फर्स्ट लव है या इससे पहले भी तुमने किसी से प्यार किया है? हाँ? हाँ, वो मैं हाँ हाँ पता है, इतने दिन थोड़ी ना अकेले बैठे रहोगे। कितनों से प्यार किया? मेरा नंबर कौन सा है? रुको रुको, एक मिनट, इतने लोग नहीं है, ओके? समझ गई ना? मेरी बात छोड़ो, तुम्हारे पीछे कोई नहीं पड़ा क्या? मेरे पीछे बड़े घर के लड़के पड़े हैं, भला और किसकी हिम्मत होती मुझसे प्यार करने की। लेकिन हाँ, कॉलेज में थर्ड ईयर में 2-3 लड़कों ने ट्राई किया था, उसमें से एक तो मेरे पास कभी आया ही नहीं, दूसरे ने मुझसे कभी आई लव यू ही नहीं कहा। इन सब के लिए डेयरिंग चाहिए होती है। ये सब क्या प्यार करेंगे और भगा के मुझसे शादी करेंगे। एक्चुअली कॉलेज में सीन क्रिएट करने में मैं बहुत आगे थी, बहुत सीन क्रिएट किए हैं मैंने। तुम भी इसे बातें देखना, एक आध सीन तो तुम्हारे साथ भी क्रिएट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्या सीन था, चांस ही नहीं, सुपर था। अच्छा अब तुम बोलो। हाँ, बीच में बोलना नहीं है। हाँ, ओके ओके। बचपन में कुछ छठवी में 6 साल के थे, अभी बोला था ना। ओके बोलूं क्या? रेडी हो? हाँ, ओके। 6 साल का नहीं, मैं जब छठवी में पढ़ रहा था तब गांव में एक लड़की थी। हाँ। वो बहुत सुंदर थी, माला दीदी। जय शिवा, अपना परमेश्वर टीचर सीरियस है, मर जाएगा तो 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। परमा टीचर मरती तो अच्छा होता। ओ, ये लोग का हमेशा का हो गया है, जब भी स्कूल से छूट के आते हैं तो यही खड़े रहते हैं। आपकी आज के कलेक्शन का आधा हिस्सा मुझे दे देना। ठीक है। ए शिवा, रुक जा रे। ओहो, इसकी वजह से मेरी पढ़ाई का सत्यानाश हो जाएगा। ये कंजूस तो 1 रुपया भी नहीं देगा। कौन से कलर के कपड़े पहनी होगी? ये ले, ये ले। आज पिंक कलर। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं सोचता, गांव के सभी लोग बिल्कुल पागल हैं। सफेद सफेद पेपर देते हैं, पर भाई रोज कलरफुल पेपर देते हैं। लव इज कलरफुल, इसलिए मैं कलरफुल लेटर देता हूँ। ए, तेरी दीदी को बोलना लेटर पढ़ने के लिए, उसे बोल उसे मैं बहुत खुश रखूंगा। पहले रोना छोड़ दे और पैर धो क्या, नाक के बाल जल रहे हैं। सॉरी यार, भैंस चरा रहा था, वैसे ही भाग के आ गया। तेरा वाला लेटर पढ़कर माला दीदी हमें ट्यूशन से मार कर भगा देगी। ऐसा क्यों? तो क्या, डियर माला लिखने की जगह बियर माला लिख कर भेजता है तू। राइटिंग मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है अगली बार सही लिखूंगा। भैंस चराने वाले को माला दीदी चाहिए। मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। बड़ी खुशी की बात है। लीजिए। क्या मन स्वामी, खुशी में कुछ भी मांगूंगा तो दे दोगे क्या? अभी क्या दूंगा, खुद को बेच कर देना पड़ेगा। अरे तुम्हारा घर ही काफी है, 2 जन्म बैठ कर खा सकते हो। क्यों रे शिल्वा? गरीब जब तक डूबता नहीं, जमींदार को चैन नहीं मिलता। पढ़ने गया तो घर के कागजात गए, डॉक्टर बनने तक घर भी चला गया। पर मुझे अफसोस नहीं, मेरा बेटा डॉक्टर तो बन गया। तुम तो जरूरत से ज्यादा खुश हो रहे हो भाई, मानो जैसे राजा बन गया। हमारे राज्य में पहले नंबर पर आया है मेरा बेटा, और इस गांव में पहला डॉक्टर है। मेरा सीना तो फूलेगा ही ना, तुम्हें और पूरे गांव को अब यही बचाएगा। चलता हूँ। चलता हूँ डॉक्टर बेटा। जी ससुर जी। बेटा डॉक्टर बन गया मेरा, तो बहुत खुशी की बात है। अपने बेटे को बोलना यहाँ गांव में एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनवा दे। बोल देते हैं। अरे दादाजी, दादाजी सब कुछ चॉकलेट क्यों दे रहे हो? भाई डॉक्टर बन गया ना, ये ले तू भी ले। भाई भाई हमें बुखार आएगा ना तो इंजेक्शन मत मारना, बस छोटी सी टेबलेट दे देना। ठीक है ठीक है। कहाँ जा रहे हो? घर तो उधर है, तुम लोग इधर जा रहे हो? ट्यूशन जा रहे हैं। माला के घर पे? हाँ भैया। ये लो तुम्हारे। क्यों? अरे लो ना, ये माला को दे देना। दे दोगे ना? क्यों भाई, तुम भी सोचा था इस पूरे गांव में तुम ही अच्छे हो, पर तुम भी वैसे ही निकले। ए मनस्वामी, ये देख तेरा डॉक्टर बेटा क्या कह रहा है, गाय को मारने वाली सुई लोगों को लगाकर मार डालेगा। गांव वाले सब होशियार हो जाओ, होशियार। ए शिवा, इस डॉक्टर ने पेपर पर क्या दवाई लिखी है जरा पढ़ना।
इसमें तो कविता लिखी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर है ना, इसलिए कुछ भी लिखा होगा। ला इधर। दीदी दीदी ये वेस्ट पेपर है, इसे अच्छे से साफ कर देना। ये लोग लेटर देते हैं, इससे हमें कमाना नहीं है, समझा क्या? वरना 10 रुपए के लिए शिवा ने अपना प्यार दान में दे दिया, ऐसा पूरा गांव बोलेगा। ए छोड़ना, इतिहास बोलेगा रे। चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो अपने प्यार का इजहार करेगा। ये गांव वाले, मुखिया, पंचायत वाले, इन सबको मैं देख लूंगा। इन सबको छोड़ रे, तू हिम्मत से बोल। ठीक है, मैं घर जाके 3-4 इडलियां खा लेता हूँ। देर मत करना, हम लोग ट्यूशन पर मिलते हैं, ठीक है? चलो। आज मैं बोलूंगा, नजर से नजर मिला के। तू कुछ भी करके आज बोल ही दे। ए वर्कआउट हो रहा है, तू देख, तुझे ही देख रही है। यही ठीक समय, हिम्मत से जाकर बोल, बाकी सब मैं देख लेता हूँ। जा। माला दीदी, कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या है, क्या बोलना है? माला दीदी, आई लव यू। क्या है? कुछ भी तो नहीं। क्यों हंस रहे हो तुम लोग? हाँ छोटे, तू बोलता रहे। माला दीदी, आई लव यू। ए, हंसना बंद करो। तुम लोगों में किसी में ऐसा बोलने की हिम्मत है क्या? मेरा भाई क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि माला दीदी, आई लव यू। मेरा भाई अपनी दीदी से इतना प्यार करता है ना बाबू? आ जाओ, अरे आ जाओ ना मेरे छोटे बाबू, आ जाओ। बहुत बदमाश हो गए हो। नहीं, मारूंगी, बैठ जाओ। क्यों दीदी, सबको तो मारती हो, मुझे क्यों नहीं मारती? सबको डांटती हो, मुझे तो नहीं डांटती। मुझे देख देख कर हंसती हो और मुझे होमवर्क भी नहीं देती। क्यों दीदी, गांव के सारे आवारा लड़के तुमसे प्यार करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? इस गांव में सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी अपने भाई से बहुत लव करती हूँ। पहले की बेटियां आवाज नहीं उठाती थी और आज तुझमें इतनी हिम्मत आ गई कि तू मुझसे बहस कर रही है। ये कितवा गांव है पिताजी? जहाँ तक मुझे पता है ये 5वां गांव है। आप क्या करते हैं पता है, फिर भी मैं आपके पीछे पीछे आ जाती हूँ, लेकिन अब मैं नहीं भाग सकती। दीदी क्यों रो रही हो? hey, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। गुस्से में चल, भाग भाग यहाँ से। हर गांव में रहकर BC जमा करके सभी को विश्वास दिलाकर आखिर में धोखा देते हैं। इस गांव में आकर भी 8 साल हो गए ना, फिर भी इससे पैसे लेकर, उससे पैसे लेकर, इससे छीनकर, उससे छीनकर, दोबारा पीकर खत्म कर दिया ना। अब कर्जा बढ़ गया है तो फिर से गांव बदल रहे हैं ना, सही कहा ना? ये सब मैं तेरी शादी के लिए कर रहा हूँ बेटी। ऐसी शादी मुझे नहीं चाहिए। मेरा आपके बिना कोई नहीं है, आपका मेरे बिना कोई नहीं है। इसी गांव में रुकते हैं पिताजी। देखिए, उस शिवा को छोड़कर मुझे जाने का मन भी नहीं कर रहा है। शिवा को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है या शेलवा को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा? सब पता है मुझे, पर सुन, अब दो ही रास्ते हैं। BC खत्म हुए 4 दिन हो गए हैं, कल कर्जदार हमारे घर के सामने खड़े रहेंगे। अगर उन्हें पैसा नहीं दिया ना तो जान से मार देंगे वो। इससे अच्छा तो मैं जहर खा के मर जाऊं। दीदी क्यों रो रही हो? दीदी ऐसे शिवा, ये लेटर शेलवा को दे देना। तो क्या तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? तुझे कैसे समझाऊं शिवा,
मेरा भाई है, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है दीदी, मैं दे दूंगा, तुम रो मत। लेटर शेलवा भैया को देना है ना, मैं दे दूंगा। हरि की शादी हो गई, मजा आएगा। शेलवा भी आ रहा है, उसको भी लेके चलते हैं। तू कहाँ जा रहा है? शेलवा भैया के घर पे जा रहा हूँ। अरे तू भूल गया कि आज टीवी पर हमारे हीरो की पिक्चर आने वाली है, हम जा रहे हैं, चल चल। हाँ हाँ चल, बहुत मजा आएगा। आखिर वही हुआ जिसका घर के सारे बर्तन फेंक रहे हैं। उधर देख शेलवा भैया, और शेलवा भैया को छुरा क्यों मार रहे हैं? की कोशिश करो, छोड़ो मुझे। अरे मेरी मेरी बात है, हटो, हाथ क्यों लगा रहे? दूंगा सबको। एक आदमी को मिलकर सब लोग मार रहे हो, शर्म नहीं आती है? दिमाग है कि नहीं? क्यों इस आदमी को इतनी बेरहमी से तुम सब मार रहे हो? हमारा पैसा डूब गया इसलिए। तुम लोगों को पैसा चाहिए ना, मैं देता हूँ। उठो भाई उठो, ए उठाओ इसे। ए तुम स्कूल छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो स्कूल जाओ। भैया, शेलवा भैया किधर है? डॉक्टर बना फिरता था, अब पागल हो गया है। उसके बाप की लाश यहाँ पड़ी है और वो वहाँ खेत में बैठा हुआ है। ये शिवा इधर आ, माला कहाँ है? माला तुझसे कुछ बोली क्या? कुछ नहीं, कहाँ गई? मुझे बोले बिना चली गई, उसने तुझे कुछ नहीं बताया, ऐसे कैसे गायब हो गई वो? हे उसे जाना था तो मेरे साथ जाना चाहिए था ना, मैं उसे लेके जाता, कहाँ चली गई वो? गांव वाले सब मुझे मार रहे रे, कहाँ गई वो, कहाँ चली गई वो? हे माला कहाँ गई, कुछ बोली क्या, तुझे कुछ पता है क्या? हे शिवा, हे शिवा बोलना, हे शिवा सुन तो, कुछ तो बता के जा। शिवा शिवा, शिवा? माला दीदी ने लेटर में क्या लिखा था मुझे नहीं पता, उसे खोलकर पढ़ने की दिल में हिम्मत भी नहीं थी। शेलवा भाई, हे शिवा, जो बहुत मेहनत करके डॉक्टर बने थे, बाहर वो मेरी वजह से पागल होकर रोज रोज मेरे घर के पास खड़े हो गए। अरे सुन शिवा, तुमने पाप किया, उसका पश्चाताप करने के लिए तुम प्यार करने वालों को मिलवाते हो। नहीं देखो, अभी हम बातें कर रहे हैं, अचानक एक लड़का आकर कुछ तो भूख लगी है ऐसा कहता है, और हम लोग कुछ नहीं ऐसा कहकर भगा देते हैं। वो थोड़ी दूर जाकर बेहोश होकर मर जाता है, तब कैसा लगता है? अरे रे 10 रुपए दिए होते तो वो बेचारा कुछ खा लेता, लेकिन हमारी वजह से मर गया, तब कितना गिल्टी फील होता है ना? ये भी एक तरह का गिल्ट ही है। अभी उसी जगह पर एक लड़का भूखा खड़ा है, क्या करेंगे? तब हम लोग अपने हाथ का खाना उसे दे देते हैं, और अभी खा ले, रात को खा ले, या कल खा ले, ऐसा बोल देते हैं ना, और फिर अपनी गलती को सुधारते हैं। उससे हमें खुशी मिलती है, तड़पते दिल को चैन मिलता है। ये बिल्कुल उसी तरह का है, इसलिए मेरे फ्रेंड्स या उनके पहचान वाले जिसे भी प्यार में प्रॉब्लम हो उसकी मैं मदद कर देता हूँ, कोई मेहरबानी नहीं करता, अच्छा लगता है।
माला दीदी और शिल्वा भाई के साथ। अच्छा ये बातें छोड़ो, मुझे छोटे शिवा से मिलना है, मिलवाओ ना। ए वहाँ देखो, बचपन वाली माला दीदी है वहाँ, वो देखो। नहीं भारती, वो माला दीदी नहीं है, वो कोई और है। तुम कैसे जानती हो माला दीदी को? हाँ मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन जैसे ही मैंने माला दीदी का नाम लिया तुम में एक बेचैनी दिखाई दी मुझे, तभी मैंने छोटे शिवा को देख लिया। मैं 100% कंफर्म हूँ कि तुम अब भी उनसे प्यार करते हो। भारती? हाँ नहीं भारती, वो दीदी है। हाँ? ये आई लव यू जो सेंटेंस है ना, ये अंग्रेज लोग मम्मी पापा भाई बहन यहाँ तक कि किसी चीज को भी बोल देते हैं, लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं उसी को ये सेंटेंस बोलने की हिम्मत करते हैं। अरे लव तो वो है जो बचपन में मैंने माला दीदी से किया था, कितना विश्वास था उनका मुझ पे, लेकिन मैंने तोड़ दिया। और इसीलिए तो मेरा विश्वास भी नहीं तोड़ोगे। हर बार मैं किसी न किसी को खो कर जाता हूं, लेकिन इस बार चेलियन की लाश लेकर जाऊंगा, और अगर उसने मुझे टपका दिया तो तुम सब वापस लौट जाना, समझ गए? तुम्हारे बुलाने पर बिना कुछ सोचे समझे मैं तुम्हारे पास आ गई, इसलिए तुम मुझे पागल मत समझना। मैं कोई गलतफहमी लेकर नहीं आई हूँ, मुझे तुम पर भरोसा हुआ इसलिए आ गई। हर लड़की के मन में कोई ना कोई लड़का होता है जिसे वो पसंद करती है और यही सोचती है कि वो उससे कब मिलेगी। दुनिया वाले बोलते हैं कि लड़के को देखते ही लड़का पसंद कर लो, अरे एक बार में ऐसे कोई भी पसंद नहीं आता, इतना आसान नहीं है। फिर भी हम बिना शक्ल देखे पसंद कर लेते हैं, जो गलत है, क्योंकि दिल के अंदर तो कोई और है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे पसंद आ गए, याद है तुमने एक बुजुर्ग अंकल आंटी की शादी करवाई थी? उससे ज्यादा एक लड़की को क्या चाहिए उसे इम्प्रेस करने के लिए, तुम्हें याद है ना वो शादी? कौन सी शादी? मेरी जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको वो शादी याद है, कुछ भी कर लो वो शादी भूल नहीं सकती। तुम्हें याद नहीं? मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ ना। मेरी एक फ्रेंड की शादी थी जहाँ मैं वक्त पर पहुँच नहीं पाई, इसीलिए उसकी शादी के 2 दिन के बाद उसके कुंभकोलन के घर पर मैं उससे मिलने गई, जहाँ मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा। तुम्हारे बारे में, उस शादी के बारे में मैंने सबको एक एक बात बताई। तुम्हें तो मैं ढूंढते हुए आने वाली थी, लेकिन तुम ही आ गए। क्या है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों पर शक होता है कि वो कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जो फैसला लेते हो सही लेते हो, तुम्हारी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। कौन क्या सोचेगा इसकी उन्हें परवाह नहीं, सोचने दो लोगों को, उन्हें तुम पर कोई शक नहीं। तुमने अपने सभी दोस्तों को हमारे बारे में बताया ना, सब कुछ ओके है ना? मैंने सोचा था कि मेरा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा, और वो हो गया, तुम मुझे मिल गए। जब देखो तब तुम मुझे खींच कर ले आते हो, फर्स्ट टाइम पकड़ा था तो गांव में छोड़ दिया, सेकंड टाइम पकड़ा था तो स्टेज पर छोड़ दिया, थर्ड टाइम पकड़ा है अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, इस बार छोड़कर कहीं भाग मत जाना। तुमने अब तक मुझे वो नहीं बोला, बोलो ना आई लव यू। मैंने सोचा था तुम्हारे बोलने के बाद बोलूंगी,
फोन बज रहा है। एक मिनट, फोन आया, बात कर लिया। बोल डेविड। मैं आ चुका हूँ, पलट के देख। फोन नहीं उठा रहा था तो सोचा तेरा हाथ काट दूं, लेकिन तूने मेरा काम सही किया इसलिए छोड़ दिया। अब जा, जाके अपनी बहन को संभाल। डेविड, वो लड़की मुझ पर भरोसा करती है, प्लीज प्लीज। एक ही बात तुझे कितनी बार समझाऊं, अगर यहाँ से नहीं निकला तो मंडप में लाशें गिरेगी, चल निकाल। डेविड प्लीज, डेविड मैं तुझे बोल रहा हूँ, डेविड। हाँ मन्नू। ए सुन भाई, वहां पर कोई लफड़ा हुआ है क्या? ये लो बैलेंस खाने का। ए, यहाँ पर डेविड के लोग पापा को खड़े हैं, डर लग रहा है यार। ए, चल निकाल। तो रहा है ना, सुनना। हेलो भाई, क्या कर रहा है, मेरी आवाज आ रही है? ए भाई, क्या हुआ? नहीं, ठीक है बैठो, 10 मिनट्स रेस्टरूम जाकर आता हूँ। 10 मिनट्स रेस्टरूम में क्या करने वाले हो? अच्छा ठीक है, जाओ। हाँ। शिवा? हाँ? हाँ? कुछ नहीं, जाकर आओ। शिवा के फ्रेंड्स हैं क्या? बैठिए ना। मन्नू। हाँ बोल भाई। मेरी लाइफ में मैंने दोबारा गलती कर दी। ए, तू ठीक तो है ना? तेरी ऐसी आवाज सुनकर मैं परेशान हो रहा हूँ। वो जो लड़की थी ना, वो मेरे भरोसे पर आई थी और उसे मैंने धोखा दे दिया। क्या बोल रहा है तू? मेरा और डेविड का क्यों लफड़ा हुआ? मैं मदुरई क्यों गया? लड़की को किस लिए उठाया और उसे लेकर मैं क्यों कोयंबटूर आ गया? वो क्यों मुझसे इतना प्यार करती है? क्या वो तुझसे प्यार करती है? यार ये सब कुछ मेरी ही लाइफ में क्यों हो रहा है? बोलना मुन्नू, क्यों हो रहा है ऐसा? मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है? बोलना। ठीक है, ठीक है। मैं तो सबका भला सोचता हूँ, फिर क्यों? Come on, 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 come on
प्रॉब्लम में हूँ, यहाँ कहीं पुलिस स्टेशन है तो मुझे पहुँचा दीजिए प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज बताइए सर, मैं सच में बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कीजिए प्लीज सर, भाई साहब प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरा बॉयफ्रेंड यहीं पर है, उसने ऐसे तुम्हें देखा ना तो तुम्हारी फिर खैर नहीं। तुझे मदुरई से लेकर आना और यहाँ पे छोड़ना, इतना ही काम था उसका, उसका खत्म, हमारा शुरू। चल वेट तो कर, अभी वो आएगा। वो नहीं आएगा। टाइम क्या हो रहा है? 3:10 करेक्ट टाइम बता, वो अभी आएगा। चल क्या कर रही है? ये चली से पकड़ते। तुम इतने सालों से कहाँ थी दीदी? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। तुम यहाँ पर कैसे आए? मैं यहाँ पर अपने पर्सनल काम से आया हूँ दीदी, और अचानक तुम्हें देखा। तुम यहाँ कैसे आई दीदी? शेरवा, शेरवा कैसा है? इतने सालों से तुम्हारी यादों में मर रहा है वो। अभी भारती के पास भी तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, मैंने बोला तो वो पूछने लगे तुम्हारी माला दीदी कैसी दिखती थी, उसके बारे में बताओ ना। कौन है भारती? बेवजह कह रही है आएगा आएगा, वो नहीं आने वाला, अब आएगा तेरा मंगेतर।
सोचा था तुम मर्दों की तरह लड़ाई करेगा। अपने डिफेंस में लड़की को आगे कर दिया हाँ? ससुर जी कैसे है? डोंट वरी बेबी, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। तुझे अपने भाई की याद आ गई क्या? मुझे तेरे सवालों का जवाब देना है, पर उसे सुनने के लिए तो जिंदा नहीं रहेगा। आजा! दाढ़ी हाथ में चाकू क्यों रखा है? मेरे गले पे रखना, वो आएगा तो सामने खतरनाक सीन लगना चाहिए ना। चल रख। I love you. Love you. क्या है बे? I love you. सीन हो गया, समझ में नहीं आता है, भागे यहाँ से। चलो चलो Oh, my God.
देख लिया, उस दिन बोल रहे थे ना ये शेर नहीं बिल्ली है। पैदा होते समय दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके शिकार करने के हुनर से पता चलता है कि वो बिल्ली है या शेर। Are you okay, baby? Love you, baby. भागेंगे क्या? चलो चलते हैं। शिवा, मुझे अजीब सा लग रहा है। आपको शेलवा भाई को देखना है या नहीं देखना, तो चलो। अरे अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो? छोड़ना, पहना रहा हूँ ना। तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? अरे रुको, कितना तो बड़ा हूँ। क्या बात है, सिक्स पैक्स रखे हो, जिम भी जाते हो क्या? ये मेरी शादी थोड़े ना है, बहुत बड़ी शादी है। ए, तुम लोग क्या देख रहे हो? जो दिखाई बताता हूँ भैया, शिवा ने बोला है तुम्हें तैयार करने के लिए। शिवा कहाँ है, किधर है? ए शिवा, ये कब से मुझे सता रहा है, देख जरा डांट। मुझे बताया कहाँ चली गई थी तुम? पता है गांव वालों ने मुझे कितनी बेरहमी से मारा? मेरे पिताजी गुजर गए, एक बार बोल के जा सकती थी ना। ए, मेरी शादी को छोड़कर कहाँ चला गया था तू? आएगा आएगा बोलकर नहीं आया ना? सॉरी बहन, सॉरी। कैसी हो, शादी अच्छे से हो गई ना? और बेटा शिवा, सॉरी पापा। सॉरी किस लिए? ये क्यों? वो कुछ नहीं पापा, ओके है। जिस काम से गया था वो पूरा हो गया ना? हो गया पापा। भैया सुनिए, सॉरी जी जो आ नहीं पाया। सुनिए ना, सब ठीक से हो गया माला? ओके ना, हाँ सॉरी। नहीं नहीं कोई बात माला? नहीं, रोना बंद करो, रोना बंद करो, चुप हो जाओ। माला कैसी है तू? तू ठीक तो है ना? यो शिवा, तुम्हारे पहले का बोझ उतर गया ना? शेरवा, माला से शादी करेगा? अरे बता, करेगा? यहाँ पर मंगलसूत्र देखा, मेरे लिए है क्या? हाँ तेरे लिए। शादी करूंगा, शादी करूंगा। ए, हमारी शादी होगी। तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए वो सेठ की बेटी लेकर आया है, देखना कहीं तुम पे भारी ना पड़ जाए। माँ पिताजी जो होते हैं वो हमें इस दुनिया में लेकर आते हैं, पर पूरी जिंदगी साथ नहीं निभाते, और फिर यहाँ पर जो रिश्ते बनते हैं वो भी हमारे साथ जिंदगी भर नहीं रहते, लेकिन तू मेरे साथ आखिर तक रहेगा ना? माला दीदी, जो बात मुझे कहनी चाहिए वो बात आप कह रही हैं, बिल्कुल रहूंगा। तुम्हारे सारे सवालों का एक ही जवाब है, मैं मेरी माला दीदी से अब भी बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू माला दीदी। रोना नहीं, नहीं रो मत, अब से खुश, बस खुश रहना। हार क्यों रहे हो ऐसे? शिवा, शिवा,
मदुराई के बड़े नेता की लड़की को कोई उठा के लेके आया है। वो ट्रक भर के अपने आदमियों को यहाँ लेकर आया है। जल्दी कर भाई। तूने नहीं बताया ना, इसलिए वो गुस्से में है। अगली बार भाग के जाएगी ना तो बता के जाना। भारती, ये तुम्हारे पापा है ना, बातचीत करके खत्म करो ना प्लीज। ए, मजाक है क्या? दूसरे प्यार करने वालों को जान पे खेलकर मिलाते हो, जब खुद की बारी आई तो अपना कदम पीछे हटा रहे हो। जाओ मारो, इन सबको हमारा प्यार दिखाओ। जैसे बाकी लोगों को मारते हो वैसे ही इन्हें भी मारो। जाओ। यही है जो आपकी बेटी को उठाकर ले गया था? जब घर पर कोई नहीं था तब हमारी बेटी को उठाकर ले गया था। इसे बताओ कि हम कौन हैं? टू मिनट्स सर प्लीज।